नमस्कार, वेलकम टू करियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेयर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 लेकर के आए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट है आपका स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सामान्य जागरूकता के 20 क्वेश्चन, मतलब कि एक पेपर में हमारे हर पेपर जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन आते, तो मैं दो प्रैक्टिस सेट एक साथ करा रहा हूँ, जिससे क्या है कि एक साथ आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि पेपर भी नज़दीक है और कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो इस तरह से मैं आपको 20 क्वेश्चन आज प्रोवाइड कराऊंगा, तो देखते हैं 20 में से आपके क्या 10 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ है, वो आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सामान्य जागरूकता के 10 मार्क्स का 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये पता ही है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाली टैमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में या फिर उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सिक्किम में, सिक्किम में जो है टैमी चाय का उद्यान लगा हुआ है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1969, ठीक है, 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, सिक्किम सरकार द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या फिर साक्षी मलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में प्रथम पदक पाने वाली महिला बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड के बाद थर्ड है, डैश सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो आत्मकथा किसकी पूछी गई, सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे, एसेस अगेंस्ट ऑड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्लेइंग इट माई वे, सी ऑप्शन इज राइट। तो प्लेइंग इट माई वे जो है आपकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, और ये 2014 नवंबर 2014 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नवंबर 2014 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की दूसरी, ध्यान देंगे दूसरी, पहली नहीं पूछी है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है। ठीक है, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, सुमित्रा महाजन जो है दूसरी महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की, पहली थी आपकी मीरा कुमार, सेकंड थी आपकी सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 15 सितंबर को किसके जन्मदिन, जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वीरू सहस्त्रबुद्धि, मोक्षा गुंडम, विश्वेश्वरैया, ई श्रीधरन या फिर शिव अय्या दुरई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है, मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनके जन्मदिन पर ही या इनके जन्मदिवस पर आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, मतलब इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है हमारा 6, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है, स्टील उद्योग के लिए, बर्तन के लिए, चीनी मिल के लिए या न्यूज़पेपर फैक्ट्री के लिए। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ये पेपर के लिए प्रसिद्ध है, तो न्यूज प्रिंट की फैक्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, न्यूज पेपर प्रिंट होता है यहाँ पर, तो इसकी ये फैक्ट्री है नेपा नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है 7, तिमुथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है, पद्मावती, सीता, द्रौपदी या फिर शूर्पणखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रौपदी। तिमुथ उत्सव तमिलनाडु में जो मनाया जाता है वो द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, किसके सम्मान में मनाया जाता है, द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भवा का क्या अर्थ है। ठीक है, मैं आपको सलाम करता हूँ, अतिथि भगवान है, आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। तो नाम से ही संभव है, क्या कोटेशन है हमारी, अतिथि देवो भवा, अतिथि देव के समान है, तो अतिथि भगवान के समान है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 9 हमारा, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, समुद्री सीमा सबसे छोटी है, सबसे छोटी समुद्री सीमा किस जगह की है, गुजरात की, महाराष्ट्र, पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु। तो पुडुचेरी की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10,
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10 हम देखते हैं। हाँ, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे देखा, किसे जाना जाता है? ठीक है, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पूस पूर्णिमा को, महापूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, कार्तिक पूर्णिमा को जो है पश्चिम में जो है हंटर के चंद्रमा के समान जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है अभी हमारे, ये यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने 10 क्वेश्चन ये अभी कराए इनकी आपकी आंसर की है। अब आगे क्वेश्चन मैं आपको फिर से आगे कराता हूँ, क्योंकि मैं एक साथ 10 10 क्वेश्चन दो सेटों के एक साथ ले रहा हूँ। तो आगे क्वेश्चन ये रहे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड सेट का हमारा, एक सेट तो मैं कंप्लीट करा ही चुका हूँ पहली, इससे पहली क्लास में। आज मैं एक साथ दो सेट करा रहा हूँ आपको, ठीक है, 10 10 क्वेश्चन के दो सेट करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं 11वां क्वेश्चन है आज की क्लास का। डैश के त्योहार को फगुवा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, होली, दीपावली या फिर संक्रांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होली, बी ऑप्शन इज राइट। इसका राइट आंसर क्या हो गया? होली। होली को जो है फगुवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये रंगों का त्योहार है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुंग कलीम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का या फिर मणिपुर का। तो पुंग कलीम जो है आपका जो नृत्य है वो है आपका मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का ये नृत्य है। इसका अर्थ है ड्रमों की गर्जना। पुंग इसका नाम क्या है, जो नाम है पुंग कलीम जो है इसका मतलब क्या है? ड्रमों की गर्जना, मतलब ड्रम बजाए जाते हैं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद है थर्ड हमारा। 1997 में अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता? ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ बाल्वस, द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टू स्टेट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, द ग्रांड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको जो पुरस्कार मिला था 1997 में मिला था, ये आप सभी जानते हैं। और इस कहानी में जो है इन्होंने अपने जिनके जीवन में जो बताया था, अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद है हमारा फोर्थ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को बोला जाता है, को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 1911 में, 1915 में, 1907 में या फिर 1913 में। तो जो टाटा कंपनी थी इसको स्थापित किया गया था आपका 1907 में। टिस्को कब स्थापित हुई थी? 1907 में, 26 अगस्त 1907 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पोचे आधारित है? ठीक है, काई पोचे आधारित है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द स्टेट्स, सॉरी टू स्टेट्स, थ्री मिस्टेंट्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट साम्बन, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर। ठीक है, तो चेतन भगत की कौन सी फिल्म है, इसमें से हमें नाम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मतलब 3 गलतियां मेरे जीवन की। ठीक है, तो ये चेतन भगत की फिल्म पर बनाई गई है। ठीक है, वो सॉरी स्टोरी पुस्तक पर बनाई गई है फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फेमस क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चेरी बॉल्सम के लिए, आर्गोटॉन के लिए, लाल रेशमी कपड़े के लिए या फिर एशियाई शेर के लिए। तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डैश गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर गिरा किया जाने वाला एक कला का नाम है। ऑप्शन है इकट, बाधनी, पैठानी या फिर चंदेरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये क्या चीज है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बांधनी। ठीक है, बांधनी बी ऑप्शन। ठीक है, बांधनी जो है गुजरात या राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है। ठीक है, बांधनी। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 के बाद 8 है, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? पश्चिम बंगाल के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा या फिर राजस्थान के द्वारा। तो पंचायती राज सबसे पहले अपनाया गया था, सभी जानते हैं, डी ऑप्शन है इसका, राजस्थान के द्वारा।
अपनाया गया था और राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले आई थी 1959 में, ठीक है। और महीना आप सभी को पता ही होगा 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर ये किया गया था, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो भारत का जीवन है वो गांव में बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण क्रम में भारत का डैश नागरिक सम्मान है, ठीक है। पद्म विभूषण भारत के डैश के नागरिक सम्मान है, कौन सा नागरिक सम्मान है, चौथा है, पांचवा, पहला है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर को टिक करेंगे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें चौथा सबसे बड़ा, उच्चतम सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा या तीसरा सबसे बड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा, ये सम्मान है, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण सम्मान, ठीक है। और जिसका स्थान ये जो आता है ये भारत रत्न के बाद आता है, भारत रत्न सबसे नंबर वन पर, फिर उसके बाद पद्म विभूषण सम्मान है, ठीक है। और ये जो स्थापित किए गए थे 1954 में किए गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डैश का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है, कौन सा त्योहार। ऑप्शन है संक्रांति, होली, दिवाली या फिर नवरात्रि। सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, डी ऑप्शन, नवरात्रि का त्योहार देवी के 9 रूपों को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपके लिए कुछ नहीं है, आंसर की है। इससे सेट में जो 10 क्वेश्चन कराए हैं इसकी भी आंसर की, तो मैंने आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो बस आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी कमेंट है आपके कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।